फोर्स पर यूनिट लेंथ में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर्स हैं, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वायर्स आपस में अट्रैक्ट करेंगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वायर्स आपस में रिपेल करेंगी, ये रूल था। और फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4π 2I1I2 डिवाइडेड बाय आर। उसके बेस पे लेट अस सपोज ये 15 एम्पियर का करंट है, 15 एम्पियर का करंट तीन वायर्स में आके डिवाइड हो गया, कितना 5 5 5 एम्पियर, ये डिस्टेंस 1 और 1 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स नहीं बोला, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी। तो ये ए बी और ये सी डी, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले ए बी की बात करते हैं। ये वाली वायर इस वायर को करंट कैरिंग इन सेम डायरेक्शन क्या करेगी, अट्रैक्ट, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है, अट्रैक्शन है। उसी तरीके से ये वाली वायर इस वायर को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है। अब दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड कर लेना। तो आप इसमें इस वायर और इस वायर का फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालें तो म्यू नॉट बाय 4π 2 × 5 × 5 / 2 सेंटीमीटर ऐसे होगा, और इसका निकालेंगे तो म्यू नॉट बाय 4π 2 × 5 × 5 / 1 सेंटीमीटर के हिसाब से निकलेगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखें, सेम चीज है, फोर्स अपॉन लेंथ दोनों वायर्स का, ये इसे अट्रैक्ट करेगी, ये इसे अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव आपस में ऐड हो जाएंगे और नेट आंसर डाउनवर्ड्स है। लेकिन अगर आप मान लो अपना क्वेश्चन इस वायर पे निकालना चाहते हैं तो ये वाली वायर इस वायर को अट्रैक्ट करेगी, ये वाली वायर और ये वाली वायर में करंट सेम है तो ये भी इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये वाली वायर इसे अट्रैक्ट करेगी, ये वाली वायर इसे अट्रैक्ट करेगी, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर देना है, माइनस। पर क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट भी सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो नेट फोर्स इस वायर पे क्या आएगी, जीरो। तो फोर्स अपॉन लेंथ की वैल्यू इस सेंट्रल वायर पे क्या आएगी, जीरो। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे करना है इसमें। तो फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला यूज करना है और फिर ये देखना है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर ऑपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, इसी के अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, आपको एक करंट कैरिंग वायर गिवन है, ये 4 एम्पियर का करंट है इसमें, इसमें 1 एम्पियर का करंट है, तो ये 4 एम्पियर है और ये 1 एम्पियर है, और ये रेक्टेंगल 2 बाय 5 का रेक्टेंगल है, ये 2 है और ये 5 है। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि ये वायर इस लूप पे नेट फोर्स क्या लगाएगी। तो हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये करंट और ये करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये वायर इस वायर को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, क्योंकि अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव फोर्स है। और उसी तरीके से ये करंट ऊपर है और ये करंट नीचे है तो ये वायर इस वायर को क्या करेगी, रिपेल। और क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स नजदीक है, ये डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स बड़ी है, ये फोर्स छोटी है, तो ओवरऑल ये लूप कहां जाएगा, लेफ्ट। और मैंने आपको ये आंसर भी दिया था कि ये वाली वायर यहां पे ज्यादा फोर्स लगाएगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर यहां पर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ताकि ये नेट फोर्स आपस में क्या हो जाए, कैंसल। तो लूप ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, कहां जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी। कोई डाउट इसमें? अब आपको क्वेश्चन निकालना है, फोर्स की वैल्यू होगी क्या, नेट फोर्स क्या होगी। मैंने ये नहीं बोला नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी, मैंने बोला नेट फोर्स क्या होगी। पर हमें रिजल्ट आता है अगर दो पैरेलल वायर्स हैं तो उनमें हम फॉर्मूला लगाते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो मुझे ये बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है वायर की, ये इस लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों में फोर्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, देख रहे हो मैं फोर्स कितने सेंटीमीटर पे निकाल रहा हूं, 5 सेंटीमीटर पे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में हम कौन सी लेंथ पुट करते हैं जिस पे फोर्स निकाली जा रही है, 5 सेंटीमीटर। तो फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4π 2 × 4 × 1 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओ नॉट स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके F1 की वैल्यू आ गई। तो इसको इधर ले जाओ, फोर्स आ गई, मतलब पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलेगी और फिर लेंथ को राइट साइड पे लेके जाके फोर्स निकलेगी, फिर आप F2 निकालो फोर्स। F2 कैसे, ये वायर और ये वायर, ये वायर इस 5 सेंटीमीटर पे फोर्स लगाएगी, F2 लगाएगी, F2 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, अगेन फिर से F2 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर,
तो फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू इंटू आई वन आई टू डिवाइडेड बाई आर। अब आर में क्या पुट करेंगे, ये वन है और ये कितने है, ये टू है, तो टू प्लस वन सेंटीमीटर कितना हो गया, तीन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तीन आएगा। तो फिर से फाइव इंटू टेन की पावर माइनस टू को राइट पे लेके जाओ, एफ वन आ गया, एफ टू आ गया, तो एफ वन बड़ा है, एफ टू छोटा है, तो नेट फोर्स क्या आएगी, एफ वन माइनस एफ टू टूवर्ड्स लेफ्ट। तो आइडिया सबको समझ में आ रहा है कि फोर्स अपॉन लेंथ में लेंथ कौन सी पुट करनी है। लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि लेंथ ये तो नहीं पुट करनी ना, ये नहीं पुट करनी, आपको कितने सेंटीमीटर के ऊपर फोर्स निकालनी है, पाँच सेंटीमीटर, तो आपको पाँच सेंटीमीटर की लेंथ पुट करनी है फोर्स अपॉन पाँच सेंटीमीटर। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। जैसे एक क्वेश्चन इसमें बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन एक आता होता है, शायद यही है, यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। वो कह रहा है अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर, ये पी वायर है जिसमें 50 एम्पियर का करंट है, इट इज रिजिडली फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है नीचे। एक और वायर है क्यू जिसमें 25 एम्पियर का करंट है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हवा में है और मैं ये चाहता हूँ ये हवा में स्टेबल रहे, नीचे ना गिरे। क्यों नीचे गिरेगी, इसका वेट नीचे गिरेगा, इसका वेट कितना है क्वेश्चन में, डब्ल्यू। तो वेट ऑफ द वायर क्यू गिवन है कितना, 0.075 न्यूटन पर मीटर। देखो आपको वेट नहीं गिवन, आपको वेट अपॉन लेंथ गिवन है, क्योंकि वेट के यूनिट तो न्यूटन होते हैं, पर हमने क्या पुट किया, न्यूटन पर मीटर पुट किया। तो वेट यहां पर आपको वेट की जगह वेट अपॉन लेंथ गिवन है, कोई बात नहीं ऐसे रहने दो। एंड कैरी द करंट ऑफ 25 एम्पियर, तो आपको यह बताना है कि क्यू की पोजीशन पी से क्या होगी, आपको आर बताना है ताकि ये वायर हवा में स्टेशनरी रहे। तो आप बस मुझे पहला स्टेप ये बताओ कि अगर आप चाहते हैं कि हवा में ये वायर स्टेशनरी रहे, तो ये जो करंट है और ये जो करंट है ऑपोजिट है, तो 50 एम्पियर की वायर 25 एम्पियर को क्या करेगी, रिपेल। तो F की वैल्यू अगर W के इक्वल हो जाए तो ऊपर वाली वायर रेस्ट पे रहेगी। प्रॉब्लम ये है, आपको वेट नहीं गिवन, आपको वेट पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो आप क्यों ना ऐसा करो दोनों को L से डिवाइड कर दो। अब इससे क्या हुआ, ये फॉर्मूला किसका बन गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, और ये क्या बन गया, वेट पर यूनिट लेंथ का। तो देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास है म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू बाई आर, और W का मतलब यहाँ पर वेट नहीं है, वेट पर यूनिट लेंथ है, तो इन्हें इक्वेट करके R की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड।